नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है आपका रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाला जो परीक्षा है NTPC और इसके बाद जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले, अगर आप लोग नए हो तो आप लोग अपने प्यारे BSA ट्रिकी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जो यहाँ पर BSA ट्रिकी क्लासेस इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा। तो आप इंस्टा फॉलो कीजिएगा, और करंट अफेयर सुबह आपकी 8 बजे चलती है। सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, ध्यान दीजिएगा, सुबह 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। और ये होती है आपके BSA के सेकेंड यूट्यूब चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज, BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज। तो यहाँ पर आपकी डेली करंट अफेयर चलती है, सुबह 8 बजे चलती है। आप इसको जरूर देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम सभी में मिलेंगे, क्योंकि मैं इसमें पूरी 1 साल की करंट अफेयर आप लोगों को तैयार करवा रहा हूँ। तो करंट अफेयर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग जो है BSA ट्रिकी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर जाकर। तो BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आगे आप सबको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। ये बस छोटी सी शुरुआत है आप सभी के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आप लोग के साथ देखने वाले हैं। तो इससे पहले क्लास को शुरू करें, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय BSA क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आज मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वो कौन सा है? ए, दरअसल आज मैं आपका टेस्ट कराऊंगा, ए, बी, सी या फिर डी। आज मैं आप लोग का टेस्ट कराऊंगा, और टेस्ट में आप लोग को सबको पास होना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे में डेली आपका टेस्ट लिया करूंगा, आप परेशान मत होइए, बस आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। तो अगर किसी ने चूज किया है गैल्वेनोमीटर, तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो आपने पढ़ा होगा R बराबर होता है रो, L अपॉन A होता है यहां पर। तो ऐसे में पदार्थ के प्रतिरोधकता पर, उसके क्षेत्रफल पर, तार की लंबाई पर, इन तीनों पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मटेरियल की डेंसिटी से मतलब नहीं है। तो ऐसे में मेरे जिन प्यारे दोस्तों का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास। तो इस प्रकार जो है तार की जो प्रतिरोधकता है ये किस पर निर्भर नहीं करती है? पदार्थ के घनत्व पर, पदार्थ के घनत्व पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से, टंगस्टन के, कॉन्स्टेंटन के, मैग्नीन के? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, विद्युत बल्बों के जो तंतु होते हैं सामान्यतः ये आपके बने होते हैं टंगस्टन के। तो जिनका भी आंसर टंगस्टन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, टंगस्टन। ओके, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किया था आपके थॉमस अल्वा एडिशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का एक तंतुमिना जो है फिलामेंट होता है, और इसमें धारा प्रवाहित करने पर ये आपका अतितप्त 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ओके, और टंगस्टन जानते ही आप लोग एक उच्च गलनांक वाली धातु है। तो जिनका भी आंसर टंगस्टन आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। अब मेरे परम प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यूज तार आपका ये बना होता है किसका? आप सभी को दोस्तों बताना है कि फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं। ओके ना, फ्यूज तार आपके जो है किस मिश्र धातु के बने होते हैं बताइए, ए, बी, सी या फिर डी।
तो किसी वैद्युत परिपथ में लगा फ्यूज तार आपका परिपथ का एक संरचनात्मक अवयव है, जो परिपथ में एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है टिन और लेड, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अगर आपका आंसर टिन और लेड आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, बहुत बढ़िया क्लास है। अब बढ़ते हैं आगे, इसको देखिए। डायोड का प्रयोग जनरली जो है किसके लिए किया जाता है? डायोड का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? परिशोधन, प्रवर्धन, मॉड्यूलन या फिर आपका आ जाएगा फिल्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए डायोड बल्ब का जो उपयोग है ये एक आपका दिष्ट कार्य रूप में किया जाता है, तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपका आंसर रेक्टिफिकेशन आ रहा है, परिशोधन आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। डायोड का प्रयोग आपका किया जाता है रेक्टिफिकेशन में, यानी कि परिशोधन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? अगर विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड अरेंजमेंट या फिर हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा, प्रयास कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पैरेलल हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है समांतर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग के आधार पर प्रदान की जाती है विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति या फिर आपका हो जाएगा वोल्टेज हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बताइएगा। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लगभग मैं सारे प्रश्नों को आप लोग को कंप्लीट करा रहा हूँ, तो बस आपको ध्यान से पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है। तो अब देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए जो रेटिंग है ये आपका विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा करंट। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? दो घूर्णन, एक घूर्णन, आधा घूर्णन या फिर एक चौथाई घूर्णन। तो तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में प्रत्येक आधा घूर्णन परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हाफ रेवोल्यूशन, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बताइए। अगर आपने चूज किया है समान रहता है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा समान रहता है। ओके, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बताइए। देखिए दोस्तों, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या फिर चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है वह आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मतलब अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका होता है टेस्ला, या फिर आप बोल सकते हो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यदि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा
उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी अपवार्ड यानी कि उपपरिमुखी होगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अपवार्ड उपरिमुखी बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी में डी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को बता देंगे एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग जान लीजिए। एलईडी का मतलब होता है एल फॉर होता है लाइट, ई फॉर होता है आपका एमिटिंग, ध्यान दीजिए आप लोग, लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी का मतलब आपका क्या होगा, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। तो इसमें डी का मतलब डायोड होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक अर्धचालक डायोड है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और इसमें आपका पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका दोस्तों जो है पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसका मेन काम होता है प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नाभिकीय रिएक्टर में ढाल के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है यूरेनियम, कोबाल्ट, मैग्नीज या फिर आपका हो जाएगा लेड हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ढाल के रूप में आपका लेड धातु का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने चूज किया है लेड बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, आपका सही जवाब हो जाएगा लेड। दोस्तों एक्स किरणें के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या। भाई बाकी लोग कितने रह गए, सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहा कीजिए, लाइक करते रहा कीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक होती है, और इसकी खोज आपके जर्मन भौतिक शास्त्री विलियम रॉन्टजन ने 1895 में की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी या फिर डी, बताइए क्या होगा सही जवाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का, ठीक है ना, अवरक्त किरणों की खोज की थी आपके विलियम हर्सल ने, इसकी खोज की आपके विलियम हर्सल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है आपका किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, ए बी सी या फिर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, और सबसे पहले 1 मार्च 1954 को अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर आ रहा है ए वाला, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन बम जो है आपका किस नाभिकीय सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा आपका थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जिनका भी आ रहा है थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, रॉकेट, देखिए रॉकेट का आविष्कार किया गया था 1920 में रॉबर्ट गोदार्ड ने किया था। अगर हम रॉकेट के दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे कि रॉकेट का जो आविष्कार दोस्तों किसने किया है, रॉकेट का आविष्कार किया था आपके 1920 में किया गया था, और रॉकेट का आविष्कार किया आप लोग के रॉबर्ट गोदार्ड ने। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है रॉबर्ट गोदार्ड, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट गोदार्ड होगा इसका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया कि गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया, आपका आ जाएगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आप लोग का डी हो जाएगा। देखिए गैस टरबाइन जिसे आपका अंतर्दहन टरबाइन भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है, और इसका आविष्कार जो आपके जॉन बारबर ने किया था, जबकि एडविन हॉर्वर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एफएम रेडियो के विकास के लिए जाने जाते हैं, और निकोलस कॉलन दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर थे। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आपका जॉन बारबर, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया।
अब देखिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था? छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब बताइए। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात हो रही है कि छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों, छत के पंखे का आविष्कार किया था आपके 1882 में फिलिप डी ए हल ने किया था, डी एल ने किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जहां तक इस क्वेश्चन की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, फिलिप डी ए एल होगा, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। इसको देखिए थ्री डी प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि थ्री डी प्रिंटर का जो आविष्कार है वो किसने किया था, आपके निक होलोनियाक ने, इलियास हॉबे, चक हल ने, या फिर आपका हो जाएगा क्रिस्टियानो क्रिस्टियान हुईजेंस ने किया था। तो सही जवाब आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर होगा डी हो जाएगा बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है आपका, चक हल। तो 3D प्रिंटर का आविष्कार आप लोग के चक हल ने किया था और इसके माध्यम से आपके 3D प्रिंटिंग की जाती है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भाई चक हल आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था? विंडसर्फ, डेविड कॉम्ब, जॉर्ज क्लॉड, या फिर जोसेफिन कॉचरेन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोन लैम्प का आविष्कार किया था आपके जॉर्ज क्लॉड ने किया था। नियोन लैम्प का आविष्कार किया था आपके जॉर्ज क्लॉड ने, एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, नियोन लैम्प का आविष्कार किया था जॉर्ज क्लॉड ने, नियोन लैम्प का आविष्कार किया था आपके जॉर्ज क्लॉड ने किया था। आइए मेरे परम प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताएंगे आपको, आप लोग बताएंगे। तो टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था आपके टिवादार पुष्काश ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ रहा है आपका टिवादार पुष्काश होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो टिवादार पुष्काश हंगरी के आविष्कारक थे और इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया। टेलीफोन एक्सचेंज एक आपकी कम्युनिकेशन जो है दूर संचार प्रणाली है और जिसे आपके सार्वजनिक स्विस टेलीफोन नेटवर्क या फिर बड़े उद्यमों में उपयोग में लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टिवादार पुष्काश। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भाप के इंजन का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? दैट्स अ वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू नो एवरीवन, भाप के इंजन का आविष्कार जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था बताइए, फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाप के इंजन का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था, ए बी सी या फिर डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस। जॉर्ज स्टीफेंस एक आपके अंग्रेज मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने 1814 में आपकी वाष्प शक्ति से चलने वाले भाप के इंजन का रेलगाड़ियों में प्रयोग हेतु आविष्कार किया था। स्टीफेंस ने ही प्रथम अंतर शहरी रेल लाइन का विकास किया था। तो जिनका भी आ रहा है जॉर्ज स्टीफेंस, बिल्कुल राइट है। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेन ने किया था, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, डायनामाइट का जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? डायनामाइट का जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया है बताइए, ए बी सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, डायनामाइट का जो आविष्कार किया आपके स्वीडन के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबल, 1867 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था और यह आपका नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ यथा आपके की जेलगुर और लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। वर्तमान में इसमें आपके नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर आपका सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग अधिक होता है और यह एक आपका विस्फोटक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अल्फ्रेड नोबल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डायनामाइट का जो आविष्कार है आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ऐसे में आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबल होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है बताइए, चुंबक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम चुंबक की बात करेंगे तो चुंबक विद्युत चुंबक का आविष्कार जो है आपका ये किया है आपके विलियम स्टर्जन ने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्जन हो जाएगा। तो इन्होंने किया है विद्युत चुंबक का और आपके एक नाम है एनरिको फर्मी,
एनरिको फर्मी ने आविष्कार किया परमाणु भट्टी का। इन्होंने जो आविष्कार किया आपका वो किसका किया है? एनरिको फर्मी ने जो आविष्कार किया है ये किया है परमाणु भट्टी का आविष्कार किया है। जे जे थॉम्सन ने आपका आविष्कार किया है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया है परमाणु संरचना मॉडल का आविष्कार किया है आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे परम प्यारे दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आप लोग का समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या फिर आप लोग का डी हो जाएगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके माध्यम से दर्शक यानी कि प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग जो है आपका पनडुब्बी में, युद्धपोत में और तोपखाने के तोपची में अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने में किया जाता है। इस प्रकार की पनडुब्बियों में परिस्कोप नामक उपकरण का प्रयोग समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। वहीं आपका पाइलेरियोमीटर सूर्य विकिरण को मापने वाला यंत्र, और आपका हाइप्सोमीटर जल के क्वथनांक को मापने वाला यंत्र है। ओके, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या पढ़ाई, इसका आंसर तो आपका पेरिस्कोप हो जाएगा। फिर ये जो आपका हाइप्सोमीटर, ये क्या करता है? आपका हाइप्सोमीटर आपका जल का क्वथनांक मेजर करता है। ये जो है आपका जल का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट है उसको मेजर करता है। और पाइलेरियोमीटर जो आपका ये है आपका सूर्य विकिरण को मापता है। ये जो आपका उपकरण है ये आपका सूर्य विकिरण यानी कि सन की रेडिएशन को मेजर करता है, पाइलेरियोमीटर करता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सभी लोग क्लास को जो है शेयर करते रहिए, मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में वैसे ही आप लोग को सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी क्लास को शेयर करते रहिए। अब देखिए दोस्तों, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ पर वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गैलिस्टा टॉरसेली ने 1644 में किया था। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों, आपका एनीमोमीटर जो है किसका माप करता है? देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि एनीमोमीटर जो आपका किसका माप करता है, एनीमोमीटर एनीमोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हवा की गति का मापन किया जाता है, जबकि समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वायु की गति। तो जिनका भी आ रहा है वायु की गति आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। विकिरण के सभी प्रकार जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, बताइए? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही जवाब क्या होगा, देखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ से? गीगर मूलर काउंटर। तो गीगर मूलर काउंटर या फिर गीजर बोल सकते हैं आप लोग। तो गीजर मूलर काउंटर आपके आयनित विकर्णों के सभी प्रकारों जैसे कि अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण का पता लगाने और उनकी माप के लिए एक आपका प्रयुक्त एक उपकरण है। और यह आपका जो है विश्व का सबसे सक्षम और प्रयुक्त विकिरण मापक यंत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गीगर काउंटर, ठीक है ना? अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले साधन को क्या बोलते हैं? वैदिमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर, साइनोमीटर। तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने की बात हो रही है, तो किसी वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व उनके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। और विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए आपके एयरोमीटर का प्रयोग होता है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयरोमीटर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा आपका एयरोमीटर। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया कि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया कि समय यात्रा
संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा आपका स्टीफन हॉकिंस। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपके स्टीफन हॉकिंस ने यह प्रश्न उठाया था कि अगर समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं भाई? तो ध्यातव्य है कि स्टीफन हॉकिंस एक ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध फेमस भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान शोध केंद्र के निर्देशक थे। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टीफन हॉकिंस होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर स्टीफन हॉकिंस आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, टू सी ग्रेट हो, लगे रहो, डटे रहो, अड़े रहो, हारा वही जो लड़ा नहीं, पढ़ते रहिए बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे ही। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैटरी, सौर तापक, सौर कुकर या फिर सौर सेल पैनल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, सौर सेल पैनल सौर सेलों का एक आपका परस्पर संबद्ध संयोजन है जिन्हें हम लोग जो है फोटोवोल्टाइक सेलों के रूप में भी जाना जाता है। तो सौर सेल पैनल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सोलर सेल पैनल बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? ग्लाइडर जो है, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर डिपेंड करते हैं? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर आपका हो जाएगा ताप ऊर्जा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा। तो ग्लाइडर जो होते हैं अपनी उड़ान के लिए जो है ताप ऊर्जा, सॉरी, पवन ऊर्जा पर डिपेंड करते हैं। ग्लाइडर जो होता है ना, ग्लाइडर जी, तो ग्लाइडर जो है आप लोग के बिना इंजन के अपने लिफ्टिंग सतहों की सहायता से हवा की गतिशीलता से ऊर्जा को ग्रहण करके उड़ने वाला वायु विमान है। और इस प्रकार ये यान उड़ान के लिए किसी मोटर या इंजन पर डिपेंड नहीं होता, इसकी ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है पवन ऊर्जा बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास। अब जो आपकी फ्रिज होती है, फ्रिज जिसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का करते हैं, नाइट्रोजन का करते हैं, फ्रियॉन का करते हैं या ऑक्सीजन का करते हैं? तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा आपका सही जवाब बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर में शीतलक का कार्य करती है। फ्रियॉन में आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है जो ओजोन परत के क्षय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रियॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रियॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से आपका कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, लौह, सोडियम क्लोराइड या फिर आपका हो जाएगा जल हो जाएगा। तो वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जल इत्यादि। ओके, तो ये सब हो गए। जबकि लौह एक शुद्ध रासायनिक तत्व है ना कि यौगिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल। जबकि आयरन दोस्तों, क्या आपका आयरन एक बिल्कुल शुद्ध रासायनिक तत्व है। तो जिन मेरे परम प्यारे दोस्तों का आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग, बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? क्लास को लाइक करते रहिए आप लोग, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए जिससे कि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाए। जितने भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं मैं वन बाई वन करके आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते भी हैं। आप परेशान मत होइए, आप बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर से जो क्वेश्चन ला रहा हूँ बिल्कुल टूट पड़ो, आंधी और तूफान बनकर टूट पड़ो इन प्रश्नों पर, लग जाओ, डट जाओ मेरे शेरों, अब अड़ जाओ, क्योंकि अगर ये रुकेंगे ना कदम
तो भाई कामयाब होकर ही लौटोगे वापस। तो बस कामयाब होना है तो मेहनत करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? निकोला टेस्ला, जेम्स चैडविक, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज की थी आपके जेम्स चैडविक ने की थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जेम्स चैडविक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स चैडविक होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अच्छा अब आप लोग बताइए कि इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। निम्नलिखित में से किस तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NsNp होता है जी? तो दोस्तों यहां पर आपको क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा, दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा सही से लिखा नहीं गया है, Ns2 Ns2 Np3 ये है। अब बताइए आप लोग, तो निम्नलिखित में से किस तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np3 होता है? तो क्या बता पाएंगे? जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको नाइट्रोजन के बारे में आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये गैस है, अवस्था नाइट्रोजन एक गैस है, इसकी परमाणु संख्या होती है 7, परमाणु संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में इसका स्थान दोस्तों कहाँ पर है? बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आवर्त सारणी में इसका जो स्थान है ये समूह 15 ब्लॉक 15 का है। ओके, ये आपका जो है समूह 15 ब्लॉक 15 में है, आपका समूह 15 ब्लॉक 15 में है। इसका मानक परमाणु भार कितना होता है? इसका जो परमाणु भार है वो कितना है? परमाणु भार इसका 14 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका दोस्तों क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता रहा हूँ Ns2 Np3 है, यानी कि 1s2 2s2 2p3। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नाइट्रोजन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका मेरे परम प्यारे दोस्तों आपका। अब बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है दोस्तों? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ये आपको दिया गया पॉजिट्रॉन को कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो है इसका गुण आप लोग का जो है धनात्मक होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो होता है इसका गुण आप लोग का धनात्मक होता है, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है। इसकी खोज की थी एंडरसन ने की थी 1932 में। इसकी खोज की थी आपके एंडरसन ने की थी 1932 में की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका एंटी पार्टिकल जो इसमें दिया गया है ये आपका है पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका क्या है? पॉजिट्रॉन है। तो जिनका भी आंसर पॉजिट्रॉन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी दोस्तों? क्वांटम सिद्धांत के नींव की जो स्थापना है ये किसने की थी ये आपको बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वांटम सिद्धांत की नींव जो है आपकी जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने 1900 में रखी थी। इस सिद्धांत के मुताबिक प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का प्रवाह सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, और इन पैकेटों को क्वांटा कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी की स्थापना के लिए 1918 में प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसी सिद्धांत का उपयोग करके आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ओके, तो अगर क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करेंगे, क्वांटम थ्योरी को इस्टेब्लिश किया आपके मैक्स प्लांक ने। क्वांटम थ्योरी को किसने इस्टेब्लिश किया है? मैक्स प्लैंक ने किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। बेरियम को अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है कितने? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बेरियम को अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 2 आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे
तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है 23, 21, 19 या फिर आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्कैंडियम हो जाएगा 21। दो 21 को लिखेंगे 2.8, यहाँ देखिए दोस्तों 2892 दिया गया है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 21 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस तत्व के बाह्य कोश में मुख्य क्वांटम संख्या जो है 4 है, अतः यह चतुर्थ आवर्त का तत्व है। बाह्य कोश में आपके दो कोश अपूर्ण होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 11 है, तो तत्वों में समूह की संख्या हो जाएगी 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगी। तो ये जो तत्व है मेरे तीसरे समूह का है, तो स्पष्ट है कि परमाणु क्रमांक 21 वाला जो तत्व है तीसरे समूह और चौथे आवर्त में होगा। तो जिनका भी आंसर 21 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका विजातीय मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका विजातीय मिश्रण है? तो आइए और बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सस्पेंशन यानी कि निलंबन। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर विषमांग, यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, विजातीय मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजातीय मिश्रण बोलते हैं। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे बोलते हैं हेटरोजीनियस मिक्सअप, जैसे कि निलंबन। निलंबन एक आपका विजातीय मिश्रण है और जिसमें आपके ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं, जबकि जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं तो वह आपके समांगी और सजातीय होमोजीनियस मिक्सअप कहलाता है, जैसे कि पानी और चीनी का मिक्सअप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निलंबन होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है निलंबन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग, शाबाश। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया है, क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी अगली क्लास में, तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट अफेयर के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को, आज ही ज्वाइन कीजिए BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जा सकती, हर रोज सुबह 8 बजे आपके करंट अफेयर की क्लास होती है। और एक बात और, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ओके? जितने भी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं जितने भी क्लास में, आप सभी लोग जो है BSA ट्रिकी क्लासेस इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, यही आईडी है, इंस्टा आईडी है BSA ट्रिकी क्लासेस। और जिन लोगों ने BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जो है BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।